नमस्कार दोस्तों, रणदीप लाइटिंग इंडस्ट्री पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर ले और घंटी वाले आइकन को भी टच कर दीजिए। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है मार्केटिंग के बारे में। ठीक है, जो लोग एक नया बिजनेस चालू किया है एलईडी बल्ब का, उन लोगों का दो प्रॉब्लम आता है। एक है मार्केटिंग पहला, और दूसरा है क्वालिटी। जो मटेरियल बल्ब बना रहे हैं आप, उसका क्वालिटी के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है। आपका मार्केटिंग कैसा होगा, मार्केटिंग का फीडबैक कैसा आएगा, ठीक है, वो तो क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन पहला जो प्रॉब्लम होता है वो है मार्केटिंग। ठीक है, सब लोग तो बिजनेस किट या बल्ब, रेडी बल्ब खरीद तो लेते हैं, लेकिन उन लोगों को सेल करने में बहुत प्रॉब्लम आता है। ठीक है, मार्केट में उन लोगों का जान पहचान नहीं रहता है। कोई कोई लोग ऐसा भी होता है, उनको मार्केटिंग उतना करना आता नहीं है, तो वो लोग उसका प्रोडक्ट कैसे सेल करेगा। इसलिए हम ये वीडियो बना रहे हैं आप लोगों के लिए। आप लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया भी मिल जाएगा कैसे क्या करना पड़ेगा, ताकि आपका बिजनेस भी एक अच्छे लेवल पर जा सके। ठीक है, इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। आज का वीडियो आप लोगों के लिए सबसे महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है फ्रेंड्स, तो मार्केटिंग में एक आइडिया, मैं दो आइडिया दूंगा मैं आप लोगों को। ठीक है, पहला जो आइडिया है, आप लोग एक काम कर सकते हैं, एक बड़ा सा जो रंगीन छतरी होता है उसको लेके आप लोग एक छोटा सा टेबल लेके और एक बैनर, जो पोस्टर आता है 2x2 या 4x2, ऐसा एक बैनर बना के आप लोग एक छोटा सा टेबल लेके वहाँ पर जा बैठ के, एक जगह बैठ के सेल कर सकते हैं। जहाँ पे थोड़ा बहुत ये इलेक्ट्रॉनिक का शॉप वगैरह है, वहाँ पर जाके आप बैठ के ये सेल कर सकते हैं। आपका प्रोडक्ट कोई भी है, ये छोटा सा एक इन्वेस्टमेंट में हो जाएगा आप लोगों का। एक छतरी का कितना प्राइस होगा, कम से कम 1000 रुपये में आपका हो जाएगा ये। ठीक है, और कुछ आप बल्ब मतलब 50 पीस या 100 पीस 9 वाट लेके, अभी तो 9 वाट बहुत मार्केट में तेज़ी से सेल हो रहा है, तो सिर्फ आप 9 वाट लेके भी सेल कर सकते हैं। ठीक है, 9 वाट का भी मार्केट में बहुत तेज़ी से सेल हो रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, आप चाहो तो नॉट गारंटी भी सेल कर सकते हो, कलर बल्ब भी कुछ रख सकते हो। मिनिमम आप 50 पीस लेके भी आप ये बिजनेस कर सकते हो। ठीक है, और जिन लोगों का पास एक थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैसा है उसके पास, तो मैं उस लोगों को एक आइडिया दे सकता हूँ कि एक कैनोपी जो आता है, बड़ा बड़ा ब्रांड जो आता है, मतलब सफ़ेद हो गया, डिटर्जेंट का मैं बता रहा हूँ, देखेंगे आप लोग एक कैनोपी बना के वो लोग सेल करता है, डिटर्जेंट वगैरह जो भी उनका प्रोडक्ट है वो सेल करते हैं। तो आप भी एक कैनोपी बना के सेल कर सकते हैं। मैं कैनोपी का एक फ़ोटो और छतरी का फ़ोटो ये सब मैं दे दूंगा वीडियो में बीच बीच में, तो आप लोग देख के समझ सकते हैं, ये आप बनवा के आप लोग सेल कर सकते हैं। ठीक है, उनमें थोड़ा आप लोगों को इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, तो कैनोपी का प्राइस ही है लगभग 3.5 से 4 हज़ार रुपये तक आ जाएगा कैनोपी का प्राइस। उसके बाद आपके हिसाब से आप प्रोडक्ट रख सकते हैं, इन्वर्टर बल्ब, ACDC जो आता है वो रख सकते हैं, कलर बल्ब रख सकते हैं, कंसील लाइट 15 वाट 20 वाट, थोड़ा हाई वाटेज में भी आप रख सकते हैं। उसमें थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, लेकिन जो छतरी लेके मैंने बोला, एक बड़ा सा जो छतरी आता है ना, वो लेके भी आप लोग स्टार्ट कर सकते हो, उसमें थोड़ा इन्वेस्टमेंट कम लगेगा। ठीक है, तो आपका क्या होगा उसमें, मैं आप खुद से भी सेल कर सकते हो मार्केट में, और मार्केट में आपका भी थोड़ा बहुत जान पहचान होगा ना, कि ये बंदा अच्छा है, अच्छा काम कर रहा है, ये सच में ये काम करता है। आप लोग पहले ये काम करोगे तो आपका थोड़ा फायदा होगा, जान पहचान बनने में आपका थोड़ा सहायता करेगा ये, तो धीरे धीरे आप मार्केट में ये फैला सकते हो। ठीक है, जो जो दुकानदार है, छोटा मोटा जो दुकानदार है, पहले छोटा छोटा जो दुकान है उनको आप पकड़िए, उसके बाद बड़ा बड़ा जो दुकान है, होलसेलर है, रिटेलर है, वो लोगों को आप देखिए, मार्केटिंग करना पड़ेगा आपको। हफ्ते में 2 दिन मार्केट में जाओ, मार्केटिंग करो, उसके बाद बाकी का दिन आप ये कैनोपी बना के या छतरी लेके ये आप खुद से सेल कर सकते हो। ठीक है, तो आपका थोड़ा बहुत ये फ़ायदा भी हो जाएगा कि आप थोड़ा बहुत जान पहचान होने लगेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऐसे करके आप लोग ये आपका प्रोडक्ट का जो ब्रांड है, आपका जो प्रोडक्ट है, ये सेल कर सकते हैं। ठीक है, आप मैं बताऊंगा, हमारे पास जो बल्ब पहले मिलता था 9 वाट 5 वाट 7 वाट, अभी हर तरह के वाटेज में मिल रहा है, वो भी HPF ड्राइवर में। ठीक है,
तो आप चाहो तो हमारे पास से भी लेके सेल कर सकते हो। अगर आप कहीं और से ले रहे हो तो वहाँ से भी आप सेल कर सकते हो, लेकिन क्वालिटी अच्छा होना चाहिए। अगर आपने ये सब कर लिया लेकिन क्वालिटी 2 रुपये बचाने के चक्कर में क्वालिटी घटिया क्वालिटी लगा दिया, उसमें आपका क्या होगा, रिप्लेसमेंट आता ही रहेगा। आपका जितना भी 2 रुपये बचाने के चक्कर में आपका 20 रुपये घाटा हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं, किसी भी जगह जाओ वहाँ पर आप पहले क्वालिटी देखिए कैसा क्वालिटी है, उसके बाद डिसाइड कीजिए ये क्वालिटी अच्छा है या नहीं है। आप सैंपल मंगा के देखिए, उसके बाद आप क्वांटिटी पे ऑर्डर दीजिए। पहले कुछ सैंपल मंगा के देख लीजिए ये क्वालिटी अच्छा है या नहीं है, मार्केट में चलेगा या नहीं चलेगा। ठीक है, 10 पीस 20 पीस सैंपल लेके मार्केट में एक बार दे के, या आप खुद से ही घर घर में ये लेके देख सकते हैं ये क्वालिटी अच्छा है या नहीं है। ठीक है, अगर क्वालिटी अच्छा है तो आप वहाँ से क्वांटिटी पे माल उठा के आप लोग सेल कर सकते हैं इस तरीके से। तो आपका बहुत इसमें प्रॉफिटेबल भी होगा, आपका बहुत जान पहचान भी होगा। इस तरीके से करेंगे तो आपका जो बिजनेस करोगे आप उसका एक अच्छे लेवल पे जा सकेगा। ठीक है, तो आज का वीडियो इतनी तक। कोशिश करूँगा कि आप लोगों के लिए ऐसा ही और भी वीडियो बना के मैं आप लोगों के लिए डाल सकता हूँ। ठीक है, इसलिए वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और चैनल पे ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी वाले आइकन को भी टच कर दीजिए, ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुँच जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। गुड बाय।